सैकड़ों बुरके वाली महिलाओं के बीच दबंग अधिकारी की दहाड़, महिलाओं के सामने दो टूक, सरकारी जमीन है खाली कीजिए नहीं तो FIR करवा दूंगा। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट, गौशाला ही बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और आपके साथ मैं हूँ नम्रता चौधरी। 8 फरवरी को हल्द्वानी में जो हिंसा हुई इसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को बताया गया। अब्दुल के खिलाफ पुलिस प्रशासन को पुख्ता सबूत भी मिले, उन पर सफाई देने के बजाय अब्दुल मौके से फरार हो गया और ये साबित कर दिया कि उसने ही अवैध तरीके से अपने कारनामों को अंजाम दिया और जब पुलिस की नजर पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया। हल्द्वानी हिंसा के साथ साथ आप मलिक के बगीचे का नाम भी बहुत सुन रहे होंगे। कहा जा रहा है कि ये बगीचा भी अब्दुल मलिक का ही था जिस पर उसने 50-50 रुपए के स्टैंप पर प्लॉट काट दिए थे। हालांकि आज आपको बताने जा रही है नजाकत के बगीचे के बारे में जिसे लगभग 2 एकड़ जमीन पर बसाया गया था। सरकारी जमीन पर जबरदस्ती बसाए गए इस बगीचे को ध्वस्त करने के लिए जैसे ही दबंग अधिकारी पंकज उपाध्याय पहुंचे तो मुस्लिम युवक तो घर के अंदर छुप गए और अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को आगे कर दिया। गलत सही को मजहब की आड़ में तोलने की कोशिश करते करते बुर्का पहने ये महिलाएं तत्कालीन नगरायुक्त पंकज उपाध्याय से ही उलझती हुई नजर आई। बस फिर क्या, पंकज उपाध्याय ने आओ देखा ना ताओ सीधे तौर पर उन सभी महिलाओं को चेतावनी देते हुए कहा, एक बात सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये सरकारी जमीन है, यहाँ गौशाला ही बनेगी। महिलाएं पंकज से बहस करती रह गई लेकिन अधिकारी ने साफ कह दिया सरकारी जमीन पर बसे बसाए इस बगीचे की जगह गौशाला बनेगी और बनकर ही रहेगी। यहाँ गौशाला बनेगी, बस्ती में कर लीजिए आप लोग, एक बात सुनिए, अगर आप लोग 10 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं हटते हैं अभी मैं कराऊंगा FIR। सरकारी जमीन पे खड़े होकर के ये जो तमाशा इतना सालों से आप लोग ने चलाया है आज आप उसको रोकने आ रहे हैं। मैं गौशाला सुनिए, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट, गौशाला ही बनेगी। वायरल वीडियो तो आपने देखा, अब इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल ये वीडियो हल्द्वानी हिंसा से पहले का है। उस वक्त नगरायुक्त पंकज उपाध्याय इलाके का मुआयना करने के लिए गए थे, तब इसी तरह से मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया था तो पंकज उपाध्याय ने सभी को हड़का दिया था। यहाँ गौशाला बनेगी, बस्ती कर लीजिए आप लोग, एक बात सुनिए, अगर आप लोग 10 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं हटते हैं अभी मैं कराऊंगा FIR। सरकारी जमीन पे खड़े होकर के ये जो तमाशा इतना सालों से आप लोग ने चलाया है आज आप उसको रोकने आ रहे हैं। मैं गौशाला सुनिए, बहुत सुनिए, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट, गौशाला ही बनेगी। इस वीडियो को देखते ही सोशल मीडिया यूजर्स पंकज उपाध्याय को हिंदू शेर बता रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनके समर्थन में उतर रहे हैं। आपको बता दें सिर्फ यही वीडियो नहीं बल्कि इससे पहले अब्दुल मलिक से बहस करते हुए भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो उसे उसकी हैसियत याद दिलाते हुए नजर आए थे। अगर जमीन कागज नहीं खड़े नहीं होने का जमीन नहीं है, कागज नहीं कागज है, यहाँ से चाहिए पहले पहले तो कहीं नहीं, मेरे दादा कब तक फ्री नहीं दिखाएंगे, कदम नहीं खड़े नहीं दादा। वैसे आपको बता दें हल्द्वानी मामले में बहुत बड़ी साजिश रची गई थी लेकिन ये पंकज उपाध्याय ही थे जिनकी वजह से बहुत हद तक स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। पंकज उपाध्याय का फिलहाल प्रमोशन हो गया है, बताया जा रहा है कि उन्हें ADM बनाया गया है। बहरहाल आप इस दबंग अधिकारी के दबंग अंदाज पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट, गौशाला ही बनेगी।